राजीव नगर के पास पब्लिक ने रोड जाम कर दिया। जब मैं गया वहाँ पे पता करने तो पता चला कि यहाँ पे डकैती हो गया। रात में 8 दुकान में डकैती किया गया है और उसी में लोग गुस्से में पूरा रोड जाम कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। अब पुलिस वहीं पे कुछ कर नहीं पा रही है। आप जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आगजनी हुई है। और ये पूरा वीडियो आपको मेरे विवेक ओझा यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। विवेक ओझा ब्लॉग और विवेक ओझा ब्लॉग फेसबुक चैनल पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से एक एक फुटेज बनाता हूँ, आप सबके लिए लेके आता हूँ, तो देखिए ज़रूर। मौका दीजिए, आपके पास पुराना जो भी एफआईआर कॉपी है सबका हमको डिटेल दीजिए, हम देखते हैं आईओ से कौन उसमें जांच कर रहा है, कहाँ तक जांच होता है। हम लोग का आश्वासन ये रहा है कि जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई किया जाएगा। आश्वासन में आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? मौका देकर देखते हैं, लेकिन फिर जैसे जाम किए हैं कि हम लोग कुछ नहीं होगा, हम लोग को करना पड़ेगा रोड पर नहीं बताऊंगा। यहाँ के जो स्थानीय हैं, विशाल जी का कहना है कि जो है यहाँ की जो थाना है कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। किधर हुआ है दुकान? वहाँ किधर सिलाई से हुआ है? यहाँ इसमें अपनी दुकान है। कौन वो दुकान में हुआ है? रात में 5 दुकान में हुआ। 5 दुकान में? अच्छा, इधर तो पिछला महीना में भी हुआ था ना? पिछले महीना में यहाँ बोलोड़ो छोड़ी हुआ था, वो एडीएम साहब का बोलोड़ो छोड़ी हुआ है। अच्छा, अब कल रात में हुआ है? एडीएम साहब का बोलोड़ो सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक का क्या होगा? कल रात में हुआ है ये? कल रात में 8 दिन से शटर कटर दुकान का ताला टूट रहा है। अच्छा, टीम आ रही है, जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। लोग रात में आता भी है लोग कि नहीं आता है? लोग पुलिस वाला लोग। अब ये बताइए कि कल रात में 5 दुकान का शटर कटने में कितना समय लगता होगा? 3 से 4 घंटा मिनिमम। हाँ, अब 4 घंटे में अगर प्रशासन टीम जब नहीं आ रही है, मतलब प्रशासन नहीं आ रही है, हो सकता है कि वो लोग भी मिला हो। ये तो प्रशासन जाने ना, एकदम मिला होगा। अगर नहीं मिला होता तो 5 घंटे में आता कि नहीं आता? बात तो सही है, बस यही है। और अभी देखिए, अब थाना अध्यक्ष जो कल नया आए हैं, कड़े आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी। इससे पहले भी हम लोग फुटेज निकाल के अभियुक्त को पकड़ के ले गए थे थाने में, थाने को छोड़ दिया जाता है। छूट गया सर? हाँ, रात भर में छोड़ दिया जाता है, गाड़ी में छोड़ हुआ था। मेरा चैनल है विवेक ओझा ब्लॉग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पे जाएगा। ठीक है, ये मेन रोड हो गया जोड़ने के कारण, ठीक है, इस रोड पे आवागमन ज्यादा है, तो सरकार और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया जाए और एक छोटा सा 2-3 पुलिस लोग का चौकी भी बनाया जाए यहाँ पे। आए दिन यहाँ पे चेक स्नैचिंग, मोबाइल भी छीना जा रहा है चलते हुए। अब तो देखा है जैसे कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, चोरी की घटना होने के बाद में कोई निपटाना नहीं। 8 महीने से कम्प्लेन करके